गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज मैं उस चीज़ पर चर्चा करूंगा जिसने पूरे दुनिया को फ़िलहाल परेशान कर रखा है, पूरा दुनिया को हिला दिया है, जिसका एक बीमारी का नाम है, जिसका नाम कोरोना वायरस है। आज कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम कि क्या करें और क्या ना करें। बचाव ही सुरक्षा है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप बचे रहेंगे तो इससे आप भी बच सकते हैं, क्योंकि आज की रिपोर्ट है, आज 12 मार्च 2020, पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.25 लाख लोग कोरोना वायरस से ग्रसित अभी हैं रिकॉर्ड के तौर पर, और लगभग 4,500 लोग इससे मर भी चुके हैं, और ये इंडिया में भी दस्तक दे चुका है। लगभग आज की रिपोर्ट है कि 75 के आसपास लोग इंडिया में भी इस कोरोना वायरस के अफेक्टेड हो चुके हैं, और वो उनका इलाज चल रहा है। इसमें क्या है कि बचाव ही सुरक्षा है। बचाव के तौर पर क्या है कि आप भीड़ भाड़ के इलाकों से बच के रहिए, कम से कम कहीं जाने की कोशिश कीजिए, या अगर मौका ज़्यादा मिले तो घर में रहिए और कम भीड़ वालों में रहिए। बस वगैरह या ट्रेन का सफ़र कम से कम करने की कोशिश कीजिए। अगर जाना बहुत ही अर्जेंट है तो मास्क लगा कर ही चलें। मास्क लगाने से क्या होता है कि आप कम से कम सामने वाला छींकता है तो आप बच सकते हैं, और सर्दी खांसी ना होने दें अपने घर में किसी को, खुद भी सर्दी खांसी होने से बचें। सर्दी सर्दी में ये जल्दी अफेक्ट करता है, सर्दी से बचना चाहिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो सर्दी भी जल्दी नहीं होगा। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दुनिया में बहुत सारे चीज़ हैं जिसके आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। हम लोग चूँकि वेस्टिज कंपनी में हैं तो वेस्टिज में भी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए 4 तरह का आयुर्वेदिक दवा है, उसको कह सकते हैं आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट है, कुछ मतलब खुराक है, या कह सकते हैं कि फल फ्रूट है, जिससे आप अपना इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और इसका रिजल्ट प्रमाण भी है, पूरी किताबें भरी पड़ी है इसके बारे में। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमारे पास है स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा, आमला और क्लोस्ट्रम। अभी पूरी दुनिया इस पर क्लियर कह चुकी है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो लोग कोरोना वायरस होने के बाद भी बच गए हैं। अभी लगभग 70 से 80 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से थे लेकिन वो बाहर निकल चुके हैं, बच चुके हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। तो हमारे शरीर के अंदर में भी एक डॉक्टर है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और वो डॉक्टर अगर मजबूत रहेगा तो आपको बाहर से दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमारा स्पिरुलिना, नोनी, एलोवेरा, आमला और कोलेस्ट्रम, इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या पाँचों इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा बड़े बड़े डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना है इस जगह पर। तो विटामिन सी के लिए हमारे पास में वेस्टिज में 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसको कहते हैं हम लोग आंवला और एलोवेरा। इस जगह पर आंवला और एलोवेरा में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, इसका भी इस्तेमाल को बढ़ा लिया जाए, और सुरक्षा ही बचाव है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो कम से कम बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, और हम लोग दुआ करेंगे मालिक से, खुदा से, अल्लाह से, कि हम हमारे देश को और पूरे दुनिया वालों को हिफाजत में रखें और इस बीमारी को जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म कर दें, और बाकी लोग अपना काम कारोबार में लग जाएं, क्योंकि इसके वजह से पूरे दुनिया में बिजनेस पर, कारोबार पर हर जगह अफेक्ट हुआ है। आज ही के दिन इंडिया से सारा जहाज़ एयरलाइंस लगभग बंद कर दिया गया है, इंडिया से कोई लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर से लोग इंडिया नहीं आ सकते हैं, और ये लगभग हर कंट्री अपने अपना अपना कंट्री को ब्लॉक कर लिए हैं, क्वारंटाइन कर लिए हैं। तो अपने अपने घरों में ज़्यादा वक्त बिताया जाए और भीड़ भाड़ में कम से कम रहा जाए, ये सुरक्षा है जो WHO भी बता रहा है, और इस तरह से हम लोग उस बात को रिपीट करके बता रहे हैं कि बचाव में ही सुरक्षा है। तो मालिक से दुआ करेंगे, ठीक ठाक रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना परिवार के साथ में मज़े में रहिए, और जल्दी से ये बीमारी हमारे देश से भी बाहर निकल जाए, और इसी की कामना करेंगे। मे गॉड ब्लेस अस, थैंक यू।